नमस्कार दोस्तों, सुनाई आ रहा है? जैसा आप देख रहे हैं कि हमारे डिपार्टमेंट के लोगों के साथ साथ मेरे साथ पूर्व मुख्यमंत्री इबोबी जी, जो अब सीएलपी लीडर हैं, मिस्टर गैखंगम जो सीडब्ल्यूसी के मेंबरान हैं, और गोविंद दास जी जो पीसीसी प्रेसिडेंट हैं। क्योंकि आज हम एक अजीबोगरीब मेल का विवरण करने वाले हैं, इंटरसेक्शन का। वो मेल और इंटरसेक्शन है, एक तरफ जानबूझकर विलंब कैसे करना और विलंब द्वारा एक उद्देश्य हासिल करना, दूसरा चीज जो मेल खाता है वो है कैसे राजधर्म की अवहेलना करना, और तीसरा किस प्रकार से गणतंत्र लोकतंत्र की परिभाषा को विकृत करना आडंबर के आधार पर बहुमत बना के, और चौथा इंटरसेक्शन का जो बिंदु है वो है किस प्रकार से प्रलोभन का बेशर्मी से दुरुपयोग करना। और ये चारों बिंदु मेल खा रहे हैं एक छोटे उत्तर पूर्व प्रदेश जिसका नाम है मणिपुर, और इस विषय में मेरे सब साथी यहाँ पर बैठे हैं। तो मैं आपको इसका कानूनी ज़्यादा पहलू नहीं दूंगा, लेकिन कुछ हद तक ये कानूनी मामला है, उच्चतम न्यायालय में भी इसका एक अंग लंबित है, लेकिन मैं आज इन तीन बिंदुओं की राजनीतिक थोड़ा सा विश्लेषण करना चाहता हूं आपसे। और चूंकि हमारी संस्थापिक स्मृति कई बार कमज़ोर होती है तो हम भूल जाते हैं कि अभी कुछ ही वर्ष पहले 2017 मार्च पे जो 11वीं असेंबली के चुनाव हुए थे मणिपुर में, उसमें वास्तव में बहुमत कांग्रेस का था 28 लोगों का, बीजेपी का 7 कम था। उसके बावजूद, अब बात पुरानी हो गई इसलिए हम भूल जाते हैं, जिस मामले में बीजेपी माहिर है, पीएचडी है, खरीद फरोख्त लेन देन की राजनीति करके सरकार बनाई 2017 मार्च में। अब बात रोचक होती है क्योंकि ये सिर्फ सरकार जोड़ने तोड़ने की कहानी नहीं है, जो कभी आप कर्नाटक में देखते हैं, कभी गोवा में देखते हैं, कभी पुडुचेरी में देखते हैं, कभी मणिपुर में देखते हैं। ये कहानी है कि तुरंत ये बनाने के बाद उसी महीने मार्च में लगभग 12 लोगों को पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाया गया, संसदीय सचिव, और इसके लिए एक प्रादेशिक कानून का इस्तेमाल किया गया, मणिपुर का कानून है, मैं आपको उसकी डिटेल नहीं दूंगा, 2012 का कानून है एक मणिपुर का। उन लोगों को स्तर दिया गया, दर्जा दिया गया, मिनिस्टरों का दर्जा दिया गया, डिपार्टमेंट दिए गए, पोर्टफोलियोज दिए गए। अब ये मालूम था कि ये गैर कानूनी है, इन्हीं लोगों को तोड़कर आपने सरकार बनाई थी, इन्हीं लोगों को आपने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट दे दिया तुरंत बनने के बाद। 2017 में कुछ महीने बाद जुलाई में एक उच्चतम न्यायालय का निर्णय आया जिसका नाम है बिमांगशु रॉय, वो असम का केस, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने एक सिद्धांत स्पष्ट कर दिया कि ऐसे कानून जिसके अंदर संसदीय सचिव बनते हैं, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज, वो सिर्फ केंद्र के अधिकार क्षेत्र का है, प्रदेश के अधिकार क्षेत्र का नहीं है, प्रदेश नहीं बना सकता है। तो जायज था कि जो मणिपुर के कानून के अंतर्गत आपने दुरुपयोग किया था उसमें आप नहीं कर सकते थे, क्योंकि कानून का अधिकार क्षेत्र, लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस नहीं थी। तो इसको चुनौती दी गई एक याचिका में उच्च न्यायालय मणिपुर में, और 2020 में उच्च न्यायालय ने उस याचिका को अलाउ कर दिया, 17 सितंबर 2020 में। अब तिथियां थोड़ी रोचक हो जाती हैं। तो उच्च न्यायालय ने उस कानून को जिसके अंतर्गत इन पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज को बनाया गया था निरस्त कर दिया। पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज तो हट ही गए थे 18 में, लेकिन एक साल का उन्होंने फायदा उठाया था, क्योंकि जिन्होंने उनको नियुक्त किया था वो जानते थे कि गैर कानूनी है, तो 8-9 महीने बाद उन्होंने अपने आप हटा दिया। अब 2020 में जब ये कानून निरस्त हुआ, स्ट्राइक डाउन हुआ, तो तुरंत उसी महीने, अगले महीने अक्टूबर 2020 में एक याचिका गई। इसमें आपको दो कानून की बात बताना आवश्यक है कि अगर व्यक्ति कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है,
केंद्र में या प्रदेश में, तो वो हमारे प्रावधाने हैं जो 190, 191, 192 हमारे संविधान के, उसके अंतर्गत वो डिस्क्वालीफाई होता है, वो न एमएलए हो सकता है न सांसद हो सकता है। तो याचिका गई कि साहब आपने जिनको बनाया था तो वो संसदीय सचिव ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, और आपने तो हटा दिया संसदीय सचिव से, लेकिन वो साथ साथ डिस्क्वालीफाई हो गए एज एमएलए ऑल्सो। आप समझे मेरी बात? दे स्टैंड डिस्क्वालीफाइड अंडर आर्टिकल्स 190, 191, 192 एक्सेट्रा वॉज दी एलिगेशन। अब हमारे इन प्रावधानों के अंतर्गत जो प्रक्रिया है वो ये है कि ये याचिका, ये कंप्लेंट जाती है माननीय राज्यपाल को, और राज्यपाल अनिवार्य रूप से अपना निर्णय देने से पहले चुनाव आयोग से पूछते हैं, उनका मत लेते हैं, और उनका मत लेने के बाद वो अपना निर्णय सुनाते हैं। ये बात सब हुई है सितंबर 2020 में। आज आप हैं 5 महीने 6 महीने निकल गए, आज आप मार्च में हैं, 5.5 महीने निकल गए। ये तिथियां, मैंने कहा ना विलंब, जो मैंने पहला बिंदु था मेरा, जानबूझकर विलंब। तो इस 5.5 महीने लगा दिए। पहले तो माननीय राज्यपाल ने कुछ किया नहीं, हमारे दोस्तों ने सबने वहां पर कंप्लेंट की कि ये जो 12 MLAs हैं ये डिस्क्वालीफाई हैं, और आप जानते हैं कि सरकार वहां नहीं हो सकती डिस्क्वालीफाइड MLAs के साथ। तो माननीय राज्यपाल जी ने कुछ किया नहीं, उसके बाद विलंब से भेजा चुनाव आयोग को, चुनाव आयोग ने भी विलंब लगाया। आज तक मेरे पास तो रिपोर्ट नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि अभी 2-4 दिन पहले ही चुनाव आयोग ने निर्णय लिया है, 5 महीने निकल गए हैं, और चुनाव आयोग ने अपनी रिपोर्ट भेज दी है माननीय राज्यपाल साहब के पास। हमारी आशा तो दूसरी, लेकिन विश्वास जरूर यह है कि माननीय राज्यपाल जी कुछ और महीने निकाल देंगे। इस 5, 6, 7, 8 महीने का परिणाम क्या है? परिणाम यह है कि आप धज्जियां उड़ा रहे हैं अनुच्छेद 190 की। अनुच्छेद 190 कहता है कि अगर इस व्यक्ति को मैंने पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाया है तो ये एमएलए नहीं रह सकता। यानी आज ये हट गया पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी से, लेकिन एमएलए तो है, ये 12 लोग एमएलए हैं, ये सब डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो आपने 6 महीने ऐसे निकाल दिए, 3-4 महीने और निकाल लेंगे, गैर कानूनी सरकार चलाएंगे और निर्णय नहीं होने देंगे। तो ये सीक्वेंस देना आवश्यक था ये कहने के लिए कि इससे क्या दिखता है। इससे दिखता है कि आप राजधर्म जैसे शब्द को जानते नहीं हैं, और आपसे मैं मुखातिब हूं बीजेपी सरकार से निश्चित रूप से, बीजेपी प्रादेशिक सरकार से निश्चित रूप से, बीजेपी केंद्र सरकार से निश्चित रूप से। लेकिन मुझे खेद है और दुख है बहुत हद तक हमारी संवैधानिक संस्थाओं के प्रति भी। संवैधानिक संस्था राज्यपाल की तुरंत 2 हफ्ते में उनको रिपोर्ट मांगनी चाहिए। रिपोर्ट तो फेवर में भी हो सकती थी, और उसके 2 हफ्ते में चुनाव आयोग को रिपोर्ट देनी चाहिए थी। आज इसी बात को उल्टा पलट के देख लीजिए, किसी कांग्रेस सरकार में ये होता तो 2 दिन में रेफरेंस होता राज्यपाल द्वारा और 3 दिन में रिपोर्ट आती, और क्या लिखा होता उस पर वो भी हम जानते हैं। तो आपने इससे राजधर्म बेहतर, इससे बेहतर कौन सा राजधर्म आपने अनुपालन किया? दूसरा, आपने जानबूझकर 5.5 महीने की विलंब, जैसा आप जानते हैं चुनाव की प्रक्रिया कुछ महीने कुछ सालों के लिए होती है, उसमें आप 1-1 साल खा जाओगे इस तरह से, तो गैरकानूनी सरकार सब फायदे उठा रही है उन MLAs के आधार पर जो निष्कासित डिस्क्वालीफाइड निरस्त बिना किसी अधिकार क्षेत्र के MLAs कहलाए जा रहे हैं। और तीसरा बिंदु कि ये जिसको आप बहुमत कहते हैं वो तो विकृत बहुमत है, और विकृत गणतंत्र है, विकृत लोकतंत्र है। ये बहुमत कैसा, 12 हटा लीजिए तो कितने बचे आपके, 14 में नहीं बचेंगे। और ये सब कैसे हुआ? शुरुआत हुई प्रलोभन देकर कि आप संसदीय सचिव बन जाइए, जो कि अब निरस्त हो गया है। तो मैं ये कहूँगा कि सभी से और संस्थाओं से भी, सांवैधानिक संस्थाओं से भी, अगर आदाब कर लेते तो मसनद मिल गई होती।
अगर झुक जाते, आदाब कर लेते तो मसनद मिल गई होती, अगर लहजा बदल लेते तो गवर्नर बन गए होते। ये लहजा खास लहजा है आजकल, उस लहजे के आधार पर आप सही निर्णय नहीं लेते हैं। और प्रदेश अलग हो, व्यक्ति अलग हो, नए किरदार आते जाते रहें, लेकिन नाटक पुराना है, चाहे कर्नाटक हो, चाहे गोवा हो, चाहे पुडुचेरी हो, चाहे मणिपुर हो। आई वुड फ्रेंड्स देयरफॉर नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम। वी आर वेरी हैप्पी टू हैव ऑन द पोडियम हियर विद अस, अपार्ट फ्रॉम आर मेंबर्स ऑफ द डिपार्टमेंट, द ऑनरेबल फॉर्मर CM ऑफ मणिपुर एंड नाउ द CLP लीडर मिस्टर इबोबी सिंह, द मेंबर ऑफ द CWC फ्रॉम दैट स्टेट मिस्टर गायखंगम एंड द PCC प्रेसिडेंट मिस्टर गोविंद दास, एंड ऑफकोर्स आई एम सॉरी आई फॉरगॉट टू मेंशन अ लार्ज नंबर ऑफ माई esteemed MLAs from the Congress party from Manipur are here. My fault, I did not mention them earlier. This is because we are carrying a sorry, sad, sordid tale which intersects on 4 points. Point number one of intersection is deliberate delays, conscious, deliberate, unconstitutional delays. Number two, distortion of democracy by creation of artificial majorities. Number three, abdication of Rajdharma. And number four, the naked brandishing of inducements. And all these four intersect from the tiny state, northeastern state of Manipur, which is why my friends and the MLAs are here. As I've said in Hindi, and I'll not take long, you must rewind back to 2017, where a clear Congress majority was born in that state. In the same month of March 2017, a clear 28 MLA majority by allurement, by khareed farokht, by purchase and sale, by nefarious dirty activities in which it appears that the BJP has acquired a PhD. This was reduced to an artificial minority, and the BJP made a government in March 2017. Immediately after making the government, it rewarded those very defecting MLAs with parliamentary secretary posts. Parliamentary means assembly secretary's post. They are called parliamentary secretary. That was an assembly. Roughly 12 in number at that time. They did not last too long. They were removed after 6, 7, 8 months because they realized that these posts are illegal. But what they did not realize is that subsequent to a judgment of the Supreme Court relating to Assam in July 2017, where the Supreme Court held that such laws appointing assembly or parliamentary secretaries lie within the legislative competence and domain only of the central government and not the state, a petition was filed in the Manipur High Court, which ultimately, following the Supreme Court judgment, held that the Manipur law, the state law of 2012, under which these persons were appointed, was struck down, was bad in law, was void. Immediately after that, under our constitutional provisions, especially Articles 190, 191, 192, these articles are important, friends, because they provide that a person who has held in the past or continues to hold any office of profit stands disqualified. Now, clearly, parliamentary or assembly secretaries hold office of profit. That's a well-established rule. So, although they ceased to be parliamentary secretaries, they had incurred the disqualification in 2017 itself. So really, we are already 3 years late. This happened in 2020. The disqualification had occurred in 2017 when they were appointed parliamentary secretaries. The procedure, however, is that a complaint has to be made to the governor, who has to seek the opinion of the election commission, and then on that opinion, declare the MLAs qualified or disqualified. Now, even after the September 2020 judgment of the High Court, which is no doubt under appeal now in the Supreme Court, but there is no stay, no order yet. After 5.5 months,
First, the governor, the honorable governor, has not taken a decision for a long time. Then the honorable election commission did not take a decision. And now I am informed by our friend from Manipur that possibly a report from the EC has gone to the governor. I am certainly not privy to that report. And now again, I have no doubt that there will be further delay, so that persons who are clearly disqualified on account of office of profit disqualification will continue to enjoy the loaves and fishes of office unconstitutionally and illegally. So today, a further game of delay will go on after a 5.5 months delay already. It is for that reason that I have itemized the four intersecting points. This is nothing but deliberate, unconstitutional, artificial delay to allow benefits to be reaped by a particular political party of a particular color. As it has been said, indecision and delays are the parents of failure. And it is evidence of the fact that a declining institution is showing the survival of the unfittest. Survival of the unfittest. This is continuing governments on authority, not on public faith. And we are here to expose this, we are here to underline this, and we are here to shock the conscience of the country through you on this. And that is why my friends are here also. You see, you are right, Mr. Chatterjee, that it is, you see, everything is not written in the Constitution. The Constitution doesn't tell you how to behave like a gentleman. It doesn't tell you how to practice ethics. There is the spirit of the Constitution, which means that you should take decisions promptly for the simple reason that those who are the subject of those decisions should not reap the benefits unduly long. Secondly, we are certainly at the moment conveying this to the entire country through you, which is a separate, legitimate and valid exercise apart from the legal recourse. Number three, something I forgot to say in both Hindi and English, it is very interesting that the High Court of Manipur judgment, which is dated 17 September 2020, you'll be interested to know I'm appearing in the Supreme Court on that, the losing side, that is the other side, the MLAs, etc., who lost, they did not file an appeal to the Supreme Court till last week, till 2 weeks ago. They brought up the appeal for the first time 10 days ago. So they first wanted to exhaust the delay and then they filed. Of course, Supreme Court has not passed any order yet and I'm not commenting on Supreme Court pendency. We'll decide that when it comes. But the point is that they also for 4.5-5 months on the delay part you asked were sitting quiet, sitting pretty because they knew. Whether they knew it was a friendly governor or they knew that it was a friendly EC, I can only speculate. But the consequences and the results are clear for you to see. So the object is we will fight the legal battle, but this battle is no less important in the minds and psyche and the hearts of the people which we carry through you. देखिए आपका प्रश्न लाजमी है, लेकिन हर चीज कानून का एक अलग परिधि होती है, एक अलग चैनल होता है और उसको निश्चित रूप से हम पूरी तरह से उपयोग करेंगे. इसमें एक रोचक बात यह है कि सितंबर 2020 के निर्णय पे उच्चतम न्यायालय अभी तक 5.5 महीने बाद, अभी मतलब फरवरी में पहली बार एमएलएस पहुंचे हैं, यानी उन्होंने पूरा फायदा उठाया 5 महीने का और उसके बाद यहाँ आना ठीक समझा. दूसरा बात कि वो तो हुई कानूनी बात, उस पर मैं पेश हो रहा हूँ, मैं अभी उच्चतम न्यायालय की बात नहीं कर रहा हूँ. अभी बात यह है कि जो विलंब हो गया सिर्फ चुनाव आयोग को रेफर करने में और चुनाव आयोग के मत का वापस जाने में माननीय राज्यपाल के पास, वो अपने आप में इतना गलत असंवैधानिक विलंब है कि आपके जरिए देश में राजनीतिक रूप से उसको जागरूकता देना आवश्यक है, जो कि हम अभी कर रहे हैं. देखिए आप बहुत माइल्ड वर्ड्स यूज कर रही हैं, मुझे तो बहुत ही घृणौना घृणात्मक चीज़ लगी और इसके कुछ पहलू भयानक हैं. कोई कड़े से कड़ा शब्द नहीं है मेरे पास इसकी भर्त्सना करने के लिए. एक व्यक्ति जो तथाकथित रूप से, अब मैं तो सिर्फ रिपोर्ट्स पे जा रहा हूँ और कोई कारण नहीं है कि वो रिपोर्ट्स गलत हैं, जो बेल पे है, एक व्यक्ति जो कानून की परिधि और कंट्रोल पे है, वो जाके ऐसा घिनौना अपराध करता है और वो एक विक्टिम को दूसरी बार विक्टिम बनाता है
और आपको लेक्चर मिलते हैं उस प्रदेश से दिन प्रतिदिन कि हम ये कर देंगे, हमने ये कर दिया और हम ये कर रहे हैं, हमने स्वर्ण लोक बना दिया, हमने वहां पर अन्याय खत्म कर दिया, हमने कानून व्यवस्था पुलती बदल दी। जो आपने सुना और पढ़ा है और जिसका आप प्रश्न पूछ रही हैं, वो तो मैं समझता हूं रक्षक और भक्षक का पूरा जो है फर्क खत्म कर देता है। और दिन दहाड़े ये हुआ, ये शर्म की बात है। मैं बिल्कुल इस पर कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं की है, मैं इस पर कड़े से कड़ी निंदा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि प्रदेश सरकार को इस पर कड़ी से कड़ी निंदा करनी चाहिए और प्रदेश सरकार को कड़े से कड़ा एक्शन लेना चाहिए और तुरंत लेना चाहिए। इससे ज्यादा क्या कह सकते हैं? सी व्हाट यू हैव आस्क्ड जस्ट नाउ इज समथिंग सो शॉकिंग एंड समथिंग सो स्टनिंग, नॉट ओनली बिकॉज इट इज क्राइम विच इज बैड इनफ, नॉट ओनली बिकॉज इट इन्वॉल्व्स ए वुमन्स फैमिली हु हैज ऑलरेडी बीन अ विक्टिम, somebody who is victimized a second time, but according to reports, a person who is already on bail, according to reports, in an open, brazen, crude, fearless manner, this kind of a crime upon a crime is committed. And on the other hand, we continue to hear sermons, rhetoric, jumlas, slogans about how all manner of crime and injustice has been eradicated in that state. It insults our intelligence and it shocks our conscience. This is nothing political unless the state government joins us each in condemning this in the strongest possible words. And unless the state government then makes exemplary discovery, prosecution and punishment of the culprits, I think we should all hang our heads in shame. अच्छा ठीक है, अब मैं जरा आपको अंग्रेजी हिंदी में बोल देता हूँ, उसके बाद फिर अपन बात कर लेंगे जो भी बात करनी है। You see, first of all, the PCC president has said what he had to say as the PCC president. In that sense, I don't have much to add. But more importantly, I think the following elements must not be forgotten. Firstly, it is undeniable that the full quota of seats which the Congress had bargained for, namely 92, stands filled and fulfilled, and the Congress is concerned entirely or primarily with that. Secondly, a large front, a secular front has been created mainly to combat the BJP. Now, if one of the parties of that front, the CPM, decides to give some seats out of its own quota to what is called as the ISF, I think the perspective is very different from the perspective raised in the query asked by you. Thirdly, in particular, this is a BJP propaganda which, despite the absolute gunda level of politics practiced by the BJP, repeatedly claims itself as the true shining secular party and makes a joke by accusing others of communalism. This is a party which is practicing a special brand of gunda politics in many places, and it has the gall to say this, that everybody else is communal. I think the whole idea of this larger front in Bengal was to create, as far as possible, to the maximum extent, a good political fight against BJP's particularly vitiated brand of politics. And therefore, I would say that each one of us, each one of my senior and respected and valued colleagues, should join wholeheartedly and unconditionally in that fight together to combat this false propaganda of the BJP. दोस्तों देखिए, जो पीसीसी स्तर पे कहना था वो अलग आपने सुन लिया है, लेकिन मैं दो तीन बिंदुओं को आपके सामने संज्ञान के लिए रखना चाहता हूँ, जो यद्यपि जाने माने हैं लेकिन उनको जागरूक करना आवश्यक है। एक तो ये कि कांग्रेस ने सोच समझकर वार्तालाप बातचीत के बाद 92 सीट्स पे एक सहमति
लाए थे कांग्रेस के हिस्से की, कांग्रेस के लिए, कांग्रेस जिस पे लड़ेगी, और वो पूरी तरह से पर्याप्त रूप से हमें मिली हैं। दूसरा, जो हमने एक गठबंधन बनाया है उसमें अगर कुछ सीट दी गई हैं जिसको आप ISF कहते हैं, तो वो 100% CPM के हिस्से से आई हैं। और अगर आप इस परिपेक्ष में देखें तो थोड़ा पर्सपेक्टिव बदल जाता है। तीसरा, इसमें ये कभी नहीं भूल सकते हम कि ऐसे गठबंधन का सबसे प्रमुख, सबसे आगे वाला जो उद्देश्य है, और उद्देश्य भी होते हैं, लेकिन सबसे प्रमुख उद्देश्य है कि BJP जैसी जो एक विशेष रूप की गुंडा राजनीति का प्रयोग करती है, और जो बार बार अपने आप को सबसे चमकता हुआ धर्मनिरपेक्ष एक सिंबल कहलाती है और दूसरों को सांप्रदायिक कहती है, जो अपने आप में एक मजाकिया वाक्य है, उसके विरुद्ध खड़े होने के लिए ये बनाया गया था। और इसलिए ये अति आवश्यक है कि ऐसे जो सबसे बड़ा शत्रु है हमारा वहाँ पर, ऐसे संघर्ष में हम लोग सब, कांग्रेस के सभी लोग, मेरे सभी वरिष्ठ साथी, मेरे सभी आदरणीय कॉलीग्स एकजुट होकर संघर्ष करें और किसी रूप से कुछ ऐसा ना होने दें जिससे ये संघर्ष कमज़ोर हो, परोक्ष रूप से या सीधे रूप से। I am surprised you're asking me this question. In a free country, you did not question the right of Mr. Azad to say what he did or the right of others to say what they did. Mr. Prabhu, you are not allowed to interrupt. Your 9th schedule immunity doesn't extend there. You asked your question, you have to listen to the answer. It is astonishing that you are asking this question not of Mr. Azad, not of the people who have equal free right in this country to raise their voice about what they think, just as Mr. Azad can say what he likes, or for that matter, I can say what I like. This is a democratic process. How can you question the right of people who may either misunderstand his statement or not like his statement to raise their voice? Just like he has a right to protest, we have a right to protest, you have a right to protest, I have a right to protest, he has a right to protest. So what is the contradiction? I don't understand. The query which has come is a query regarding Paschim Bengal. It has no connection with J&K. The query I have answered fully in terms of the BJP. Now, if it's certainly possible that X number of congressmen and Y number of BJP persons may not either agree or may agree with Mr. Anand Sharma, how am I there to prevent their reactions? It's as simple as that. There is no contradiction at all. There is no contradiction. We'll move to. See, that issue has been raised many, many times in many, many state elections, and also raised here. I think that debate is closed because we have found each and every party in this country, and I don't want to get into instances, BJP, Congress, TMC, SP, blah, blah, blah. Each party has a right to make state-level alliances. For you have this example in Bihar again now, Bihar. So, Mr. Sambit Patra should be asked about JDU, with them, without them, with them in the center, against them in the state. It has happened 100 times in Karnataka. So I think that debate is over and done and dusted and settled. Party ne jo kehna tha, coincidence ki baat hai ki maine hi kaha tha parso ya tarso jab bhi maine liya tha. Aur aaj bhi jo maine hi kaha hai, iske alawa party ne kuch nahi kaha hai na kuch kiya hai. Ab jo prashn pucha abhi Prabhu ji ne, aap puch rahe hain, wo hai ki koi ek amuk congressman Bharat ke amuk ang mein koi mudda uthata hai to uska koi party के ऊपर प्रश्न पूछने का और विरोधाभास का कोई सवाल ही नहीं उठता. विरोधाभास कहाँ है? जैसे आपका हक है कि आप एक भाषण दें, किसी और का हक है कि रिएक्ट करें. आई एम नॉट अवेयर ऑफ द फुल फैक्ट्स, बट इफ आई रिपीट, इफ व्हाट यू से इज ट्रू, देन यू हैव आंसर्ड योर ओन क्वेश्चन. इट इज सर्टनली मोस्ट इलीगल, इट इज सर्टनली लीप फ्रॉगिंग, इट इज सर्टनली प्रेफरेंशियल, इट इज सर्टनली रॉन्ग, इट इज सर्टनली नॉट अलाउड. एज आई सेड, आई एम नॉट श्योर ऑफ द फैक्ट्स, बट सर्टनली इट विल बी वेरी ग्रेव वायलेशन. Wherever it happens, it may happen here, it may happen elsewhere, but this is not on, because if this happens as a habit, then it will become a domino effect across the country, and that's not what is intended. Latest update aur khabron ke liye TV1 India ko subscribe kare aur notification paane ke liye bell icon ko dabana mat bhule.